दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल PKS कोचिंग सेंटर। दोस्तों मेरा नाम है प्रेको और आप देख रहे हैं PKS कोचिंग सेंटर YouTube चैनल। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, सरकार लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ बना रहा है, सरकार लोगों को किस प्रकार से उल्लू बना रहा है, सरकार लोगों को किस प्रकार से ठग रहा है, आपने थंबनेल पर देखा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं। सरकार का मेन रूप है कि लोगों को साक्षर सिर्फ बनाना है, यानी कि पढ़ाना लिखाना नहीं, सिर्फ साक्षर बनाना है। यानी कि आप जो है सो अपना सब कुछ धीरे धीरे सीख लीजिए और साक्षर बन जाइए, ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। अगर ज़्यादा ज्ञानी लोग बन जाएगा तो फिर उसका झोला कौन ढोएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा कौन लगेगा, उसके पीछे पीछे कौन ढोएगा, कौन घूमेगा। तो वही तो चीज़ है, इसलिए सरकार लोगों को यही चाहता है कि सिर्फ लोग हमारे देश का लोग सिर्फ साक्षर बने, ठीक है ना। जैसे कि साक्षरता अभियान भी चलाया गया है, आप देख सकते हैं क्या, कभी आप देखेंगे पूर्ण, कभी कोई भी अभियान देखेंगे पूर्णतः पढ़ा लिखा अभियान नहीं चलाया गया। दोस्तों यही सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो जैसे कि आप जानते हैं कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेगा 2021 की बात है। तो दोस्तों यही चीज़ है, चलिए जो वीडियो है उस वीडियो को पहले देखिए, इसके बाद हम आपसे बात करने के लिए पुनः आते हैं बीच में। बिहार के लिए खबर, जो कि कोरोना की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है, फैसले कुछ कड़े लिए गए हैं। सभी स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 11 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। श्राद्ध में 50, शादी में 250 ही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं अब, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, हर हाल में करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सीएम ने मामले पर आज उच्च स्तरीय बैठक की थी। सीएम की बैठक के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया है, जिसमें कोरोना के ताजा हालात के मद्देनजर ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। 11 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेगा, आप जो देख रहे हैं, यानी कि स्कूल कॉलेज एवं सभी सार्वजनिक कार्य स्थल जो है सब बंद रहेगा। दोस्तों ये जो है सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, उल्लू बना रहा है, लोगों को ठग रहा है, क्योंकि लोग हमारे यहाँ का जागरूक नहीं है। लोग जो है सो जागरूक जब होंगे, जब उसके पेट में जो है सो दाना जब नहीं मिलेगा, पेट में जब खाने लोग को अन्न नहीं मिलेगा, तब लोग जागरूक होंगे। दोस्तों आप लोग से एक निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो है यानी कि सार्वजनिक कार्य, तो सार्वजनिक कार्य में मान लीजिए स्कूल आता है, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में कोई पूजा नहीं कर सकते हैं, मस्जिद में कोई पूजा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों क्या सार्वजनिक काम में, यानी कि सार्वजनिक बस सार्वजनिक नहीं है? दोस्तों बस भी सार्वजनिक जो है सो संसाधन में आता है। तो बस में देखिए, क्या एक क्लास में 10 बच्चे बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं, 20 बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? दोस्तों मान लीजिए क्या एक बस में, क्या एक साथ में 40 व्यक्ति जाता है, 50 व्यक्ति जाता है, 30 व्यक्ति जाता है? एक ऑटो में देखिए तो एक बार में 30 व्यक्ति 20 व्यक्ति जाता है, क्या उसमें कोरोना नहीं है? सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही कोरोना है, कि यही तो सरकार लोगों को ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है। क्या देखिए रेलवे स्टेशन, वो भी तो सार्वजनिक स्थान है, वहां पर जाकर देखिए, रेलवे स्टेशन पर जाइए पहले, देखिए करोड़ों की संख्या में लोग आया हुआ है, आप जाकर देखिए, उस पर लाखों की संख्या में लोग रहता है, हजारों की संख्या में रहता है, आप जाकर के देखिए। जो रेलवे स्टेशन जैसे कि जाकर देखिए, एक बिजनेस रहेगा, लाइन लगा हुआ, रेल में देखिए, रेलवे में देखिए, यानी कि उसमें नहीं होगा, सरकार की आमदनी कहाँ से होगा? आप जानते हैं सरकार की आमदनी कहाँ से होगा? दोस्तों बैंक में जाइए ना पहले, बैंक में जाइएगा तो देखिएगा पहले लॉकडाउन है क्या है। दोस्तों जाइए पहले बाजार में जाइए, क्या हाट जो जिन लोगों को गोघर में हाट बोलते हैं, क्या वो सार्वजनिक स्थान नहीं है? वो भी तो सार्वजनिक स्थान है, क्या वहाँ पर कोरोना नहीं, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहता है? यदि आपको यकीन नहीं होता, जाइए हमारे साथ रहिए, हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कीजिए, ऐसा हम हजारों वीडियो आपको सबूत में देंगे। दोस्तों इसीलिए आपसे निवेदन है कि ये जो है सो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके ग्रुप में शेयर कीजिए, लोग एक्शन लेगा, सरकार लोगों को जो बेवकूफ बना रहा है तब तो लोग एक्शन लेगा, सरकार को भी एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।